होटल वगैरह चाहिए तो आपको पता है कि जैसे अभी कुबा देख रहे हैं, यहाँ पे कुबा बोलते हैं और हम लोग नॉर्मली इसको ब्रिज कुबरी बोलते हैं, यहाँ पे अरबी में अरबी वर्ड है, हम लोग इसको ब्रिज बोलते हैं। ये ब्रिज के अगर उस साइड, ब्रिज के उस साइड पर अगर आप जाओगे तो वहाँ तो इसलिए उसके हिसाब से लोगों ने इसकी मस्जिद अभी का मतलब जैसे एक्सपेंड करते गए धीरे 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 धीरे, अभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना जैसे आप मक्का में होते थे तो वहाँ के लिए भी जैसे दिल लगता था, वैसे इस तरह अल्लाह से आपने दुआ की थी कि यहाँ पे मदीनों में भी लोगों के दिल लगे, इसलिए आप सबके जब भी इंसान आता है यहाँ तो। और अभी हम लोग सोच रहे हैं बस यहाँ चलती है ज्यारत के लिए ना, तो उस बस से हम लोग सोच रहे हैं ज्यारत करने के लिए, तो देखते हैं इंशाल्लाह। और आतिफ भाई पहले तो देखिए सामने एकदम आपके एकदम सीधे में जन्नतुल बकी है, जहाँ पर 10,000 का मुबेस सहाबा को। यहाँ पर अगर आपको इस तरह की कोई परेशानियाँ होती हैं कि आपको होटल नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो आप बेशक इस साइड आ जाएं, ब्रिज के इस साइड आएँ, यहाँ पर होटल इजीली अवेलेबल है। एक अभी कर लें और एक बार भी कर लें, एक थोड़ा रुक के कर लेते हैं, एक ऊपर एक आप डालें साजिद भाई। और सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक है, उसको मस्जिद में उसको भी तब्दील किया गया है, उसके बाद हजरत अली शेर खुदा का ये भी एक सहाबी रसूल का घर है जिसको एक मस्जिद में तब्दीली दे दी गई है, लेकिन बहुत पुराने वक्त में इसको तब्दीली दी गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मस्जिद नबी में हैं, तो अब ये हुज्जाज देखें आप, ये हुज्जाज इकराम मतलब दुनिया के कोने कोने से जो सब आए हुए हैं, वो अब इस वक्त असर का वक्त होने वाला है ऑलमोस्ट। और इनका भी एक चैनल है आतिफ के एस ए व्लॉग, उस पर ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे मदीना शरीफ की मक्का शरीफ की वीडियो अपडेट करते रहते हैं। देखिए भाई यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, वो सस्ता है, एक एक रियाल में सामान मिल रहा है। बस यहाँ से अब हम लोग ज़ियारत लेंगे मदीने पाक की, पहले तो हम लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग ज़ियारत लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है मक्का टू मदीना, और इस सफ़र में हमने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, शायद इतना सुकून हमें इससे पहले कभी मिला हो, शायद ही कभी मिला हो। तो जो सुकून यहाँ पर है, जो इस सफ़र में हम लोगों ने फील किया, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, वो हम आपको आगे शेयर करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को फुल वॉच करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम मदीना शरीफ के गलियों में हैं माशाल्लाह, और अभी हम मस्जिद नबवी के लिए निकल रहे हैं, और हमारे साथ हमारे भाई साजिद भाई और आतिफ भाई भी हैं। तो आतिफ भाई क्या आगे क्या प्रोग्राम है इंशाल्लाह बताएं। बस यहाँ से अब हम लोग ज़ियारत लेंगे मदीना पाक की, पहले तो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग ज़ियारत लेंगे, फिर वहाँ से इंशाल्लाह अब आप लोगों को देखेंगे आप लोग क्या क्या करेंगे। बस उसका तो मेरी तो प्रोग्रामिंग है वापस जाने की, तो इंशाल्लाह अच्छा। आप लोग अपना अपना देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आपने क्या क्या सोचा है। हमारे आतिफ भाई जो हैं वो आज इनकी विदाई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा हमारे लिए, इन्होंने टाइम निकाला, ज़ियारत के लिए भी आए और हमारे साथ भी घुमा, इन्होंने काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट देखते हैं कब मुलाकात होती है इनसे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात। ये जो हम आपको एक बात बता दें कि हम लोग मक्का शरीफ जब गए तो हमें बहुत हेल्प मिली, ये आए तो इन्होंने हर चीज़ हमें बताई है,
गाइड किया है, तो अल्लाह इनका इनको अजर दे उस चीज़ का। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग का प्लान रहेगा आने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे और मक्का शरीफ में उमरा करने का इंशाल्लाह। और अभी हम लोग सोच रहे हैं बस यहाँ चलती है ज्यारत के लिए ना, तो उस बस से हम लोग सोच रहे हैं ज्यारत करने के लिए, तो देखते हैं इंशाल्लाह। और आतिफ भाई पहले रसूल सलम पे जाके सलाम पेश करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद का हमारा प्लान आगे क्या होता है फिर हम आपको अपडेट करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए भाई यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, वो सस्ता है, एक एक रियाल में सामान मिल रहा है। और ये यहाँ पर फूड कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर सब खाने पीने की चीज़ें हैं, परफ्यूम वगैरह भी है, हर चीज़ यहाँ पर मिल सकती है। और हाँ ये जो एरिया है ये कुबा फ्रंट का एरिया है, इस बारे में रोशनी डालेंगे हमारे आतिफ भाई क्योंकि इनको यहाँ की मालूमात ज़्यादा है, ये हमेशा आते रहते हैं। जी ये कुबा फ्रंट का एरिया है मस्जिद बिलाल के एकदम करीब का, जैसे कि आप अगर उधर साइड में देखेंगे तो उधर मस्जिद बिलाल है, लेकिन अभी यहाँ से शायद नहीं दिख पाएगा क्योंकि हम लोग दूसरी साइड पर हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम आपको मस्जिद बिलाल भी दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, हम लोग मस्जिद नबवी में इंशाल्लाह दाखिल होंगे। अच्छा, उसके और भी है, अगर किसी को भी कोई बंदा अगर यहाँ आता है और लाइक इसको होटल वगैरह चाहिए, तो आपको पता है कि जैसा ये अभी कुबा देख रहे हैं, यहाँ पे कुबा बोलते हैं और हम लोग नॉर्मली इसको ब्रिज कुबरी बोलते हैं, यहाँ पे अरबी में अरबी वर्ड है, हम लोग इसको ब्रिज बोलते हैं। ये ब्रिज के अगर उस साइड पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हमारा मदीना शरीफ है, तो वहाँ पर जो होटल से जल्दी अवेलेबल नहीं होते, हम लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पे सर्च किया, देखा, ऑनलाइन चेक किया, जो हम लोगों को नहीं मिला, फिर हमें ब्रिज के इस साइड आना पड़ा। ठीक है, इस साइड आने के बाद हमें यहाँ पर एक जाकर होटल मिला। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह की कोई परेशानियाँ होती हैं कि आपको होटल नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो आप बेशक इस साइड आ जाएँ, ब्रिज के इस साइड आएँ, यहाँ पर होटल ईजिली अवेलेबल है, यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह भी मिल जाते हैं कम रेटों में। जैसा कि आप देख रहे हो उस साइड वो मस्जिद बिलाल है, तो आप इस साइड में अगर आते हैं तो इस तरफ आपको रूम बआसानी अवेलेबल हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं से आपको रूम मिल ही जाएगा, नहीं होगा अपार्टमेंट अवेलेबल हैं, होटल्स अवेलेबल हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि यहाँ पे अरब में बोलते हैं इसको कुबरी बोलते हैं, तो इस कुबरी के आप इस तरफ आएंगे जब मस्जिद नबवी की तरफ पढ़ेंगे जानिब, तो इस तरफ आपको रूम, ये रूम जो है होटल्स हैं, इनको आपको कम से कम मिनिमम एक हफ्ते पहले आपको वो इसकी बुकिंग लेनी होगी। और बुकिंग अगर वो भी पॉसिबल नहीं होती कि बुकिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों के लिए तो जिनके पूरे पूरे ग्रुप्स आते हैं वो पहले से ही इन होटलों को बुक रखते हैं, तो इसमें आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसा होता है कि अवेलेबल हो जाते हैं, बस इंशाल्लाह यही दुआ है अगर कभी भी आएँ तो कोशिश करें, अगर इधर नहीं मिलता आपको रूम तो आप उस तरफ जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है, आपको कम दामों में इंशाल्लाह अच्छे रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बाकी आगे की चीज़ें आपको साजिद बताएंगे क्योंकि उनको थोड़ा बहुत यहाँ की नॉलेज अब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी एक चैनल है, आप उसके बारे में बता सकते हैं इसमें? हाँ, और इनका भी एक चैनल है आतिफ के एस ए व्लॉग, उस पर ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे मदीना शरीफ की मक्का शरीफ की वीडियो अपडेट करते रहते हैं, जितने इस्लामिक रिलेटेड चीज़ें हैं इनकी चैनल पर आपको मिलेगी। तो जल्दी से इनके चैनल पर जाएं, इनको सब्सक्राइब कर लें और इनको सपोर्ट करें ताकि ये आपको इस तरह की दीनी तालीम की मालूमात देते रहें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अभी आप जैसा कि इधर देख सकते हैं क्या है, ये भी एक सहाबी रसूल का घर है जिसको एक मस्जिद में तब्दीली दे दी गई है, लेकिन बहुत पुराने वक्त में इसको तब्दीली दी गई थी, ये अभी का नहीं है। अगर आप अभी का सोचेंगे तो ये नहीं है, ये बहुत पहले इसको मस्जिद में तब्दील किया, क्योंकि कुछ जितने भी घर हैं ऑलमोस्ट जो बड़े सहाबी थे अल्लाह के नबी के एकदम करीबी, उनके घरों को मस्जिदों में तब्दील किया, बाकी कुछ घरों को म्यूज़ियम में, कुछ को लाइब्रेरीज में, कुछ को मतलब किसी और मतलब दिगर कामों में। यहाँ पर एक होटल भी है उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनके नाम से आप जिनको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं, उनका भी यहाँ पर एक होटल है जिसके लिए जिसका उनके नाम से यहाँ पर आज भी बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है और भी बहुत सारी चीज़, और जो उनका पैसा आता है उसका 50% हिस्सा गवर्नमेंट के खाते में जाता है और 50% वो मिस्कीनों और गरीबों में तकसीम करते हैं माशाल्लाह, क्योंकि उनके नाम से जो भी है। लेकिन वो होटल उस साइड है तो हम उधर गए नहीं हैं अभी, इंशाल्लाह अगर ये लोग उधर जाना होगा इनका तो ये आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ अभी आप देख सकते हैं सामने हमारा मदीना शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके जस्ट अपोजिट साइड सामने ये मस्जिद है, ये मस्जिद गमामा है, अल्लाह के नबी ने दो रकात नमाज़ें नफली पढ़ी थी कि बारिश हो जाए मदीने पाक में,
बारिश के लिए जैसे ही आपने नमाज़ें मुकम्मल की थी माशाल्लाह से यहाँ पर बारिश का बहुत अच्छी बारिश हुई थी। अब जैसा कि आप देख सकते हो, आप उधर थोड़ा सा फोकस करें शानू भाई, थोड़ा सा जूम दे करके। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी जगह है, इतना यहाँ पर सुकून है कि हम आप लोगों से बता नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। और इसी के साथ साथ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे मदीना शरीफ के अंदर, मदीना की तरफ हम दाखिल होंगे। सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक है, उसको मस्जिद में उसको भी तब्दील किया गया है। उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा का भी घर मुबारक, मतलब वो है घर, उसको भी मस्जिद में तब्दील किया गया। तो आपको इंशाल्लाह ये सब हम लोग दिखाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं मदीने की गलियों में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से वाबस्ता होती हैं, इंसानों के दिल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी की एक हदीस भी है, लेकिन एक दुआ भी मुआयद थी यहाँ पर कि जो भी मदीने, जैसे आप मक्का में होते थे तो वहाँ के लिए भी जैसे दिल लगता था, वैसे इस तरह अल्लाह से आपने दुआ की थी कि यहाँ पे मदीनों में भी लोगों के दिल लगे। इसलिए आप सबके, जब भी इंसान आता है यहाँ तो वो मदीने में रुजू करता है, उसका रीज़न ही यही है सबसे बड़ा कि अल्लाह के नबी ने दुआ की थी। तो इसलिए यहाँ वो सुकून है जो दुनिया के किसी भी कोने में आपको कभी नसीब नहीं होगा। तो जैसा कि आप ये पूरा देख सकते हैं, ये मस्जिद का मस्जिद नबी का सहन सामने दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह हम आपको भी गुंबद खजरा भी दिखाएंगे और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये देखिए कबूतरों का जो आपने किस्सा सुना हुआ है तो वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम लोग कबूतरों के लिए दाना भी लेकर आए हैं, तो हम इन्हें खाना खिलाएंगे पहले, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे आतिफ भाई के पास दाना है, दाना निकाल रहे हैं और हम लोग दाने लेकर आते हैं खाने के लिए। दाना हम जैसे कि यहाँ पर ये आपको इजी अवेलेबल है, ये आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो आप एक ओपन कर लें, एक अभी कर लें और एक बाद में कर लें, एक थोड़ा रुक के कर लेते हैं, एक ओपन कर लें। एक आप डालें साजिद भाई, और आधा आप डालें, आधा आप, एक भी बचेगा। यहाँ इस तरफ आए, इस तरफ उस नब्बी के सामने एक जगह साजिद भी डालना, ऐसे फटना नहीं। हाँ एक जगह डाल दें उसको, आप बैठ जाएं वहाँ पे, एक जगह आ जाएंगे खुद वो। माशाल्लाह देखिए नज़ारा बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। ये मस्जिद पे ऊपर माशाल्लाह बहुत बैठे हुए डाल लो मेरे को। और अभी हमारे आतिफ भाई कह रहे हैं फोटो लेने के लिए, तो हम इनकी फोटो पिक्चर क्लिक कर लें। माशाल्लाह भी ले लेते हैं। चालू स्टॉप।
अल्हम्दुलिल्लाह इसका गेट आज ओपन है, तो आज इसमें हम दो रिकात नफिल पढ़ेंगे, वरना नॉर्मल इसका गेट क्लोज होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मस्जिद नबवी में हैं, तो अब ये हुज्जाज देखें आप, ये हुज्जाज इकराम मतलब दुनिया के कोने कोने से जो सब आए हुए हैं, वो अब इस वक्त असर का वक्त होने वाला है, ऑलमोस्ट 6 मिनट बाकी हैं बस अजान होने में। तो अब सबके सब लोग मस्जिद नबवी के अंदर सब एक साथ आ रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए इंशाल्लाह। अब यहाँ पर नमाज़ पढ़ के सब दुरूद व सलाम पेश करेंगे, इंशाल्लाह हम भी दुरूद व सलाम पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना व बीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप भी इंशाल्लाह अगर आपको भी जब भी जैसे ही आपको भी देखे तो आप भी दुरूद व सलाम पेश करें। बाकी आगे की बात हमारे साजिद भाई आपको बताएंगे। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیک یا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو ابھی ہم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں کا منظر یہاں کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے اس میں ابھی پبلک ہے جو کہ زیارت کے لیے جو آ چکے ہیں۔ وہاں پر زمزم ہے، जैसा कि आप जानते हैं मस्जिद नबी में दाखिल हो चुके हैं, तो ये है ना, और ये बैक, ये मस्जिद का बैक साइड देखिए असर के अजान हो गई। तो अब हम लोगों को यहाँ पर, अब इधर जन्नतुल बकी है, रोज़ा रसूल है, इधर ये जन्नतुल बकी है सामने जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ये जन्नतुल बकी का है, और इधर आपका ये म्यूज़ियम है। बाकी अभी अजान हो रही है इंशाल्लाह, हम आपके बाद अजान के बाद इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल देंगे अच्छे से। Ah!
जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि हम मस्जिद नबी में अजान होने लगी थी, तो इसलिए हम लोग चुप हो गए थे। जैसा कि आप ये जानते हैं, गुम्बद खजरा है, आप उसके साथ आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुम्बद है। उसके बाद उधर छोटा सा आपको दिख रहा होगा, वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अमीरुल मोमिनीन जिनको कहते हैं, उनका गुम्बद है। और उसके बाद अब यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, वो देखिए सामने एकदम आपके एकदम सीधे में जन्नतुल बकी है, जहाँ पर 10,000 कम बेस सहाबा को दफन किया गया है। और उसके बाद आपके अहल ख़ानदान को, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल ख़ानदान भी उसमें हैं। और उसमें वो अम्मा आपकी जो दूसरी बार अम्मा जिनको बोलते हैं दाई हलीमा हम लोग बोलते हैं, उनकी भी कब्र मुबारक अंदर है। उसमें उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी कब्र मुबारक उसी जन्नतुल बकी के अंदर है। उसके इधर ये पूरा ये जो है, ये आप इन लोगों ने होटल बना रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो जिनसे कुछ भी इमरजेंसी यहाँ पर अचानक से दरोपेश होती है तो फ़ौरन उसका इलाज होता है। उसके बाद इधर आप आ जाइए, तो ये आपका हम बता रहे थे आपको, ये है मदीना शरीफ का म्यूज़ियम, जहाँ पर एग्जीबिशन लगी होती है। आप अंदर जाएंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं, एक एक चीज़ों के मतलब जो जो जितने भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो करते हैं कि देखिए कि यहाँ पर ये था, पहले इस तरह था, पहले इस तरह, फिर जैसे जैसे डेवलप होता गया मदीने पाक, जैसे जैसे मतलब इसको बढ़ाते गए, हदूद को जैसे जैसे और लंबा करते, क्योंकि आपको पता ही है कि मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते से बढ़ रही है, तो इसलिए उसके हिसाब से इन्होंने इसकी मस्जिद नबी का मतलब जैसे एक्सपेंड करते गए धीरे 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 धीरे, अभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अभी भी कुछ एरियों में काम इनके लगा हुआ है जो चल रहा है, तो आप देख सकते हैं।
हैं।